Hello, my dear learners. Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes, dear kids, we are doing the 7th class 4th chapter Weather and the Climate, and we are doing the forms of precipitation. So in today's video, we have to discuss the three forms of precipitation. Which one we have to discuss? Dew, hailstone and snowfall. Firstly, we have to discuss about the dew. During the winter season, at night time, the condensation of moisture does not take place in the free air. So it needs some solid objects like leaves, flowers, glass blades, piece of rocks, etc., which cools down due to the quick radiation at night. क्योंकि winter के दौरान what happened? नाइट टाइम में कंडेंसेशन मॉइस्चर का प्रॉपर वे से नहीं होता बिकॉज द टेम्परेचर इज कूल. सो वट एवर द मॉइस्चर हैव ही नीड सम ड्राई प्लेसेस वेयर ही वॉन्ट्स टू लीव, जहाँ पर वो रह सके. सो वेयर ही हैव टू ऑन द लीव्स, फ्लावर्स, ग्रास ब्लेड्स एंड पीसीज ऑफ रॉक्स के ऊपर, जिस वट वी हैव इन अवर लैंग्वेज वी हैव टू से इट ट्रेल, मतलब सब कुछ वी हैव टू फील डैट इट्स अ वेट, सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गीला है. सो डैट इज द ड्यू, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ड्यू. सो वेन द कूल एयर हैविंग सम मॉइस्चर कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज ऑब्जेक्ट्स, कहते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जब कूल एयर कॉन्टैक्ट में आती है, कंडेंसेशन होती है, जो फॉर्मेशन है वाटर ड्रॉपलेट्स के, वो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बन जाते हैं. एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स वी हैव टू कॉल इट द ड्यू. What we have to call it? We have to call it the dew. So next is the hailstones. What are the hailstones? जिसे हम कहते हैं गड़े. When the small droplets of water in the lower part of the cloud join together and large drops of water are formed. पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे small droplets of water इकट्ठे होकर एक काफी बड़ा rain drop बनाते हैं, ठीक है, large drops बनाते हैं. फिर जो strong wind currents हैं, उन रेन ड्रॉप्स को ऊपर के हायर लेवल के ऊपर उठाकर ले जाती है, ऊपर उठाकर ले जाएगी, फिर वो वहां पर जाकर फ्रीज हो जाएंगी और फिर उनका राइज होगा स्मॉल स्मॉल आइस प्लेट्स, आइस पैलेट्स बन जाएंगे और दीज आइस पैलेट्स फॉल्स डाउन एंड देयर आउटर सरफेस मेल्ट. तो वो अर्थ के ऊपर नीचे गिरते हैं और फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. बट समटाइम्स वी हैव अ वेरी बिग हेल स्टोन्स, काफी बड़े बड़े हेल स्टोन्स आते हैं, ठीक है. वट वी हैव टू इमेजिन मीन्स जो हमारी करंट्स हैं, स्ट्रांग राइजिंग करंट्स हैं, वो जो हमारे स्मॉल आइस पैलेट्स हैं उनको बार बार उठाकर ऊपर ले जाते हैं और उनके ऊपर फिर जो क्या है रेन ड्रॉप्स हैं, दे हैव टू बी फ्रीज्ड, और एक बार उसकी जो लेयर है रेन ड्रॉप की और उसके ऊपर बन जाती है. सो इन दिस वे हाउ मैनी टाइम्स दे हैव टू बी राइज अपसाइड, जितनी बारी वो ऊपर ऊपर जाएंगे, बार विंड उनको ऊपर ऊपर उठाती जाएगी, उतनी बारी जो उनका साइज है डेट वुड बी द इंक्रीज, वो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो दीज आर कैरिड अप अगेन एंड अगेन अंटिल द वेट ऑफ द आइस पैलेट्स बिकम सो हैवी डैट दे कैन नॉट बी कैरिड अप बाय द करंट. कहते जो स्ट्रांग राइजिंग विंड्स हैं, करंट्स हैं, वो उनको बार बार ऊपर तब तक उठाती जाएगी जब तक जो करंट विंड है उनका बार जो उनका वेट है वो उसे मतलब कैरी ना कर पाए. जितना टाइम वो कैरी कर रख पाएगी उतना टाइम उनको कैरी करेगी, जब वो उनको नहीं कैरी कर पाएगी एट लास्ट दे हैव टू फॉल ऑन द अर्थ, और लास्ट में वो हमारे अर्थ के ऊपर फॉल होंगे. सो दीज बिग आइस पैलेट्स फॉल एज हेल स्टोन ऑन द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर फॉल होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, वी हैव टू कॉल इट द हेल स्टोन्स. सो नेक्स्ट इज द स्नोफॉल. व्हाट इज द स्नोफॉल? द कंडेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ टीनी आइस क्रिस्टल्स नीड्स वेरी लो टेम्परेचर. कहते टीनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें काफी लो टेम्परेचर चाहिए और द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. जब हमारा एयर का जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट से लो हो जाता है, then moisture from the atmosphere is released in the form of frozen ice crystals की form में वो हो जाता है, और due to the melting of the edges of the ice crystals की melting हो जाती है
और उन्हें वो स्टिक टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो हमारे बन जाते हैं स्नोफ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स। नाउ नो टू आइस क्रिस्टल्स और स्नोफ्लेक्स आर आइडेंटिकल इन शेप साइज, और हमें किसी की शेप या साइज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑल वन हैव टूगेदर, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। एंड हाउ एवर ऑलवेज रिमेंबर डैट स्नो इज नॉट फ्रोजन, वो स्नो होते हैं वो फ्रोजन रेन नहीं होती। वी हैव टू जस्ट कॉल्ड इट द स्नो, वट वी हैव टू कॉल्ड इट, वी हैव टू कॉल्ड जस्ट इट अ स्नो। सो होप अप टू दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ड्यू, हेलस्टोन एंड स्नोफॉल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आफ्टर दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक माई डियर किड्स। सो टेक केयर, बाय बाय।